इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. Nalanda Laser Sanskar City. At Vrindavan. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? हमारे साथ अमिताभ बच्चन होते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उत्तर प्रदेश का हर जनपद बहू बेटियों के लिए महफूज नहीं रहा। कभी अगवा करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, तो कभी गैंगरेप किया जा रहा है। हद तो तब हो जाती है जब सरे बाजार किसी लड़की को छेड़ा जाता है। दरिंदों को सजा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। थाने में खड़ी ये लड़की अपने साथ हुई बदसलूकी से सहमी हुई है। पुलिस कागजी कार्रवाई में जुटी है। लड़की की तहरीर लिखी जा रही है। लड़की उस पल को याद कर रही है जिसकी वजह से आज इसे पर्दा नशी बनना पड़ गया। अब चलिए उस बेशर्म को थाने में खड़ा किया जाए जिसने लड़की पर गलत नजर डाली। नजर ही क्या, सरे बाजार लड़की से छेड़ खानी तक कर डाली। नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। सतीश यही नाम है इस बेशर्म का। शक्ल देख लीजिए, काफी खातिरदारी की गई है। चेहरा मारे शर्म के उतरा हुआ है। कर भी क्या सकता है, करतूत ही ऐसी अंजाम दी है। अपने किए पर पछतावा भी है। कान पकड़कर माफी मांगी जा रही है। अब जरा इस बेशर्म का बयान तो सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? सतीश। सतीश, क्या हुआ था, क्या करा था तुमने? इस लड़की के ऊपर पूरी बात बताओ। पूरी बात बताओ, क्या हुआ? गलती हो गई। अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बेशर्मों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा। बेशर्मी की हदों को पार करती ये वारदात गाजियाबाद के विजयनगर थाने की है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया महिलाओं की सुरक्षा का दंभ भरते नहीं थकते, तो दूसरी तरफ बहु बेटियों की अस्मत दागदार होती है। सरेआम लड़कियों को अगवा किया जाता है, बलात्कार की घिनौनी वारदात अंजाम दी जाती है। दरअसल लड़की अपने कॉलेज जा रही थी, लेकिन अंजाम थी सतीश की हरकत से। सतीश ने लड़की को रास्ते में रोककर बदतमीजी की, लेकिन लड़की ने अपनी बहादुरी से सतीश को सरे बाजार सबक सिखा दिया। ना आओ देखा ना ताओ, तना दन थप्पड़ों की बरसात कर डाली। फिर क्या था, पब्लिक भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। सबने अपने हाथ साफ कर लिए। मैं कॉलेज जा रही थी, इधर से इस तरफ से ऊपर से, तो ये आ रहा बदतमीजी करके चला गया था मेरे साथ। फिर मैंने से वहीं पे से बहुत मारा, फिर सब लोग आ गए थे मारने के लिए। फिर मैं इसको यहाँ पे लेकर आ गई।
अब रिपोर्ट लिखा दी आपने? फिलहाल पुलिस ने लड़की की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर सतीश के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सरेआम हुए इस वाक्य ने आखिरकार साबित कर दिया, अपराधी तो अपराधी, अब तो बेशर्म भी बेलगाम हो चुके हैं। कानून व्यवस्था तो अब बस मजाक बन कर रह गई है। बदयुज़्ज़मा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। देवभूमि उत्तराखंड अपराध की राह पर कुछ ऐसे चल पड़ा है कि गुनाह के निशान मिलना बदस्तूर जारी है। जुर्म की एक घिनौनी इबारत हरिद्वार की है। आठवीं क्लास की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। गुनाहगार तीन हैं, लेकिन हैरानी की बात है तीन आरोपियों के बीच दो आरोपी खुद नाबालिग हैं। जहां कभी जुर्म की धूल ढूंढे भी नहीं मिलती थी, आज वही गुनाह की चट्टान मुंह बाय खड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की। सेवा, सुरक्षा, मित्रता, थाना पथरी, जनपद हरिद्वार, उत्तराखंड। सेवा साफ, सुरक्षा सिफर, मित्रता मालूम नहीं। कुछ यही आलम है सूबे की कानून व्यवस्था का। ये तीन लोग अपना चेहरा छिपाए पुलिस के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकी मंजिल है जेल। जुर्म बेहद संगीन, गैंगरेप। गुनाह के इन तीन चेहरों के पीछे दो गुनाहगार नाबालिग हैं और एक बालिग। गांव बुकनपुर के लक्सर इलाके की रहने वाली आठवीं क्लास की एक छात्रा के साथ इन तीन दरिंदों ने अपना मुंह काला किया है। सुनिए जरा। इसमें एक गैंगरेप का मुकदमा रजिस्टर किया गया है। तीन लोगों के खिलाफ नेम्ड एफआईआर लिखवाया गया है, जिसमें से दो जुवेनाइल हैं और एक एडल्ट है। इनका अरेस्टिंग हो चुका है और इसमें जो जुवेनाइल जो दो अरेस्ट हुए हैं उनके मामले में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है, और जो एक एडल्ट इसमें अरेस्ट किया गया है उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। रात का वक्त था, बिन पिता की बच्ची घर पर अकेली थी। दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए माँ इलाके के घरों के अंदर साफ सफाई का काम करती है। बस इसी बात का फायदा उठाकर तीन शैतान घर के अंदर दाखिल हुए, जमकर मनमानी की, बच्ची की मासूमियत कुचल कर रख दी। साथ ही मुंह खोलने पर जान से मारने तक की धमकी दे डाली। मामला पुलिस तक पहुंचा तो फिर कार्रवाई की गई। तीनों आरोपी धर दबोचे गए। तफ्तीश के दौरान पता चला कि तीनों एक स्कूल के छात्र हैं और दो आरोपी नाबालिग और एक बालिग है। लेकिन ये वारदात साबित करती है कि देवभूमि उत्तराखंड में गुनाह के निशान मिलना बदस्तूर जारी है। शोभित वर्मा, हरिद्वार, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. Nalanda Laser Sanskar City at Vrindavan. रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। दूध से सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. Nalanda Laser Sanskar City at Vrindavan. है बेखौफ उम्मीद का रंग,
पास था भी। ये है मेरा उत्तराखंड। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पावर हाउस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका। यूपी की खबरों से यूपी के मंत्री बेखबर, कुंभ हादसे पर बोले कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद, खत्म हो चुका है कुंभ मेला। कुंभ हादसे पर हाईकोर्ट के दोनों बेंच में याचिका, लखनऊ बेंच ने रेलवे और राज्य सरकार को दिए सबूत पेश करने के आदेश, याचिकाकर्ताओं ने की है न्यायिक जांच की मांग। इलाहाबाद पहुंचकर सीएम ने लगाया पीड़ितों के जख्मों पर मरहम, कमिश्नर को फटकार, मीडिया को खुद को सुधारने की दी नसीहत। मुजफ्फरनगर में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी, रेस्टोरेंट में की लड़के लड़की की पिटाई, पुलिस एक भी आरोपी को नहीं कर पाए गिरफ्तार। मथुरा में रेलवे ट्रैक पर हेडफोन से गाना सुनना पड़ा भारी, ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। हल्द्वानी के रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में किया कैद। कोलकाता में कांग्रेस और टीएमसी से जुड़े छात्र गुटों में भिड़ंत, बमबाजी और फायरिंग, सब इंस्पेक्टर की मौत, 5 छात्र घायल। फिल्म जिला गाजियाबाद का विरोध, गाजियाबाद कोर्ट में फिल्म के खिलाफ याचिका, रिलीज पर रोक लगाने की मांग। और 2020 ओलंपिक में भाग नहीं ले सकेंगे कुश्ती के खिलाड़ी, आईओसी की बैठक में फैसला, पहलवान सुशील ने फैसले को बताया दुखद। टूजी घोटाले में एक खुलासा हुआ है, इस खुलासे के मुताबिक यूनिटेक के एमडी और घोटाले के आरोपी संजय चंद्रा और सीबीआई के वकील एके सिंह की मिलीभगत की बात कही जा रही है। ये खुलासा एक ऑडियो टेप की एक क्लिप से हुआ है। सीबीआई के पास 17 मिनट का एक ऑडियो क्लिप है जिसमें सरकारी वकील एके सिंह और यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा के बीच बातचीत का शक है। सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने माना कि प्राथमिक तौर पर जांच के बाद अब ऑडियो टेप की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। सीबीआई के मुताबिक ये बातचीत सितंबर 2012 की है, यानी अभियोजन पक्ष के गवाह की पड़ताल शुरू होने के ठीक पहले। सीबीआई को शक है कि एके सिंह अभियोजन पक्ष की रणनीति चंद्रा से साझा कर रहे थे। शक है कि इस बातचीत में सिंह चंद्रा को ये सलाह देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि कैसे वो इन्हें इस केस से निकालने में मदद कर सकते हैं। साथ ही आरोप है कि सिंह चंद्रा से ये भी पूछ रहे हैं कि उनके जैसे सरकारी वकील की बाजार में क्या कीमत है। आपको बता दें, संजय चंद्रा और शाहिद बलवा पर पूर्व संचार मंत्री ए राजा के साथ मिलकर 2G आवंटन प्रक्रिया को अपने पक्ष में कराने और गैर कानूनी तरीके से अपनी कंपनी के शेयर बेचकर मोटा मुनाफा कमाने का आरोप लगा है। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु ने फांसी पर चढ़ाए जाने के पहले अपनी पत्नी को लिखा था आखिरी खत। बहुत ही भावुक अंदाज में अफजल गुरु ने अपनी पत्नी तबस्सुम को यह खत लिखा था। उस खत में तबस्सुम को उसने कहा था कि वह उसकी मौत के बाद रोए नहीं, गम न मनाए और उसके बेटे का ख्याल रखे। यह अलग बात है कि आतंकी अफजल गुरु की मौत के बाद भी यह खत अभी तक उसके घर वालों को नहीं मिला है। जिस सुबह अफजल गुरु को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने वाला था, उस दिन उसने अपनी पत्नी के नाम एक खत लिखा था। उर्दू में लिखे इस पत्र में अफजल ने अपनी पत्नी तबस्सुम को हिम्मत देते हुए लिखा कि मेरी मौत के बाद तुम दुखी मत होना। जेल के एक अधिकारी ने बताया कि अफजल ने बेहद मार्मिक अंदाज में लिखा था कि मेरी मौत के बाद गम मत बनाना, हिम्मत और हौसले के साथ बेटे का और अपना ख्याल रखना। यह खत
नितांत निजी था। अफजल ने इसको लिखा था और इसे अकेले